गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स क्लास सेवेंथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्वागत है वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनसीआर टी जोग्राफी चैप्टर नंबर एट चैप्टर मी चैप्टर नेम एयर सो वी हैव डिस्कस अबाउट द एयर इन द प्रीवियस टू क्लासेस इट इज द पार्ट थर्ड सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रेशर वाट इज प्रेशर लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काई जब क्लाउडी स्काई होते हैं तो उस कंडीशन में लो प्रेशर दिखाया जाता है कैसा प्रेशर दिखाया जाता है उस कंडीशन में लो प्रेशर दिखाते हैं हम ठीक है तो प्रेशर जो है लो है प्रेशर क्या होता है दबाव ठीक है प्रेशर होता है दबाव ठीक है तो जब क्लाउडी स्काइज़ होते हैं तो प्रेशर हम मानते हैं कि लो प्रेशर है प्रेशर जो है अगर प्रेशर ना हो अर्थ पर पृथ्वी पर अगर प्रेशर ना हो एयर का अगर प्रेशर ना हो तो हमारा जो हमारी जो बॉडी है वो एक तरह से उनमें उस उसमें से ब्लड जो है बहेगा ठीक है खून बहेगा उसमें से ठीक है तो एयर प्रेशर इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइविंग बट नॉट हैवी एयर प्रेशर इट इज़ मेंटेन बाय द एटमोस्फेयर लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काई लो प्रेशर जो है उस वो क्लाउडी स्काई होने पर लो प्रेशर होता है यानी दबाव जो है वायु का दबाव कम होता है एंड वेट वेदर और जो वेदर जो होता है जब नमी होती है ठीक है जब क्लाउ जो वेदर में नमी होती है और स्काई क्लाउडी होती है तो लो प्रेशर होता है हाई प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काई हाई प्रेशर कब होता है जब सूरज एकदम साफ हो ठीक है और चमक रहा हो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एयर होती है वो नॉर्मली वर्टिकली वर्टिकली या हॉर्जेंटली जो है आपको आपके ऊपर प्रेशर लगा सकती है ओके इन दैट केस प्रेशर इज़ एसोसिएटेड जो दबाव होता है वो एसोसिएट करता है हाई प्रेशर जब क्लियर और सनी स्काई होती है यानी जब दिन साफ होता है तो प्रेशर जो है हाई होता है और जब क्लाउडी स्काई होती है तो प्रेशर जो है लो होता है द एयर प्रेशर आई एम टॉकिंग अबाउट द एयर प्रेशर द एयर ऑलवेज मूव फ्राम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया ये तो सबको पता है एयर जो है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाती है ठीक है जहाँ डेंसिटी हाई होती है जहाँ डेंसिटी हाई होती है एंड यू नो अबाउट द डेंसिटी डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व ठीक है घनत्व क्या होता है डेंसिटी वे जब मैं एक रूम की डेंसिटी निकालूंगा तो मैं बोलूँगा डी इज़ प्रोपोर्शनली टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनली टू वॉल्यूम डी इज़ प्रोपोर्शनली टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम यानी डी जो है समानुपाती है मास के और विधुत क्रमानुपाती है इसके आयतन की तो डी इज़ प्रोपोर्शनली टू मासवर्सली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनली टू वॉल्यूम तो ये होती है डेंसिटी जैसे मैं एक रूम की डेंसिटी निकालूँ तो मैं देखूंगा कि उसमें मास कितना है मास में मीन्स नंबर ऑफ बॉडीज़ कितनी है लोग कितनी है ठीक है वॉल्यूम क्या होता है कि उसका अभी एरिया कितना है ठीक है वो उसका वॉल्यूम है वॉल्यूम इज़ एल वी एच लेंथ ब्रीथ और हाइट लेंथ ब्रीथ एंड हाइट निकाल के देखूंगा फिर मैं देखूँगा उसका एरिया कितना है ठीक है तब तो मैं अगर मैं मास बढ़ाऊँ इफ़ आई इंक्रीज द मास अगर मैं मास बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा घटेगा इफ आई इंक्रीज़ द देन वॉल्यूम विल बी डिक्रीज इन दैट केस डी इज प्रोपोशनली टू मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्सनली टू वॉलीम अगर आप वॉलीम बढ़ाओगे ठीक है इफ़ यू इंक्रीज़ द वॉली तो डी घटेगा अगर आप ये दोनों समान रूप से चलेंगे ठीक है एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी डेंसिटी बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ेगा ठीक है लेकिन अगर वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्सनली ये उल्टे चलेंगे वॉलीम बढ़ाओगे तो डेंसिटी घटेगी ठीक है वॉलीम अगर कम करोगे तो डेंसिटी बढ़ेगी तो लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर एंड हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काई द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया एयर जो है हाई प्रेशर एरिया से अभी बताया था मैंने हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करती है गमन करती है या जाती है ये तो सही बात है साइंस का रूल है कोई भी चीज़ जो है हाई से लो की तरफ जाएगी लो से हाई की तरफ नहीं जाएगी दैट्स वाई एयर मूव फ्राम हाई टू लो प्रेशर एरिया नेक्स्ट है विंड इज मूवमेंट विंड इज़ द मूवमेंट ऑफ़ एयर फ्राम दाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया विंड क्या होती है हवा का हवा के जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है आपने कभी सोचा है पृथ्वी पर हवा कैसे चलती है अर्थ पे जो है विंड कैसे कैसे चलती है हवा कहाँ से आती है तो देखो होता क्या है कि जहाँ पर प्रेशर जो है लो होता है जहाँ प्रेशर लो होता है वहाँ से हवा जो है जहाँ सॉरी जहाँ प्रेशर हाई होता है सॉरी जहाँ प्रेशर हाई होता है वहाँ से जो हवा जो है अर्थ के लो प्रेशर एरिया में जो है क्या करती है मूवमेंट करती है ठीक है इस तरह से हवाएं जो हैं चलती हैं अब इसमें हवाएं आती कहाँ से है? तो जो एटमॉस्फेयर है उसके थ्रू जो है एयर जो है हमारी आती है और मूव भी इसी तरह से करती है बिकॉज वी नो दैट द अर्थ इज़ स्टिल ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री इस जो अर्थ जो है साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई है अपनी किस पर अक्ष पर झुकी हुई है उसके कारण जो है पृथ्वी और अपने मूवमेंट भी तो करती है पृथ्वी ठीक है अपनी ऑर्बिट पर तो हवाएं इस तरह से चलती हैं इन दोनों के कारण ठीक है एट टाइम्स इट मे बी स्ट्रॉन्ग एंड डिवास्टिंग नेक्स्ट है विंड्स आर थ्री विंडस आर थ्री टाइप्स तीन तरह की हवाएं होती हैं परमानेंट विंड्स बिल्कुल सही बात है कुछ ऐसी पबने होती हैं जो परमानेंट होती हैं ठीक है थीके? जिनको कहते हैं स्थाई पबने जो हमेशा चलती रहती हैं एक ही दिशा में स्थाई पबने यानी या तो पूर्व से पश्चिम चलेंगी या पश्चिम से पूर्व चलेंगी ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट दैट इज कॉल्ड परमानेंट विंड्स सीजनल विंड्स जो किसी सीजन में चलती हैं ओके लोकल विंड्स जो बिल्कुल लोकल होती हैं ठीक है कभी कभी चलती हैं जैसे गर्मी में ठंडी हवा आ जाना वो लोकल विंड्स होती है मॉइस्चर मीन्स द ह्यूमिडिटी मॉइस्चर किसको uh, किसको इंडिकेट करता है मॉइस्चर को हम कैसे कह सकते हैं पहले आप एयर को एयर समझ लिया आपने एयर में जो वाटर की जो uh, उपलब्धता है ठीक है पानी की जो उपलब्धता है वो कितनी है यानी एयर में जो है पानी कितना है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी आर्द्रता ठीक है ये बड़ा ही वैसा शब्द है टेक्निकल शब्द है ह्यूमिडिटी क्या होती है ह्यूमिडिटी मतलब जो वायु है या जो एयर है उसमें पानी कितना है ठीक है नमी कितनी है मॉइस्चर मीन्स ह्यूमिडिटी ओके मॉइस्चर मीन्स ह्यूमिडिटी अगर आपसे कोई पूछे वर्ट डू अंडरस्टैंड बाई द मॉइस्चर तो आप सीधे सीधे बताना मॉइस्चर मीन्स ह्यूमिडिटी और भी पूछे तो आप बता देना कि एयर में जो है नम पानी हवा में जो है नमी कितनी है ठीक है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी तो मॉइस्चर मीन्स ह्यूमिडिटी और अब आगे चलते हैं ह्यूमिड डे इज़ वन वेन द एयर इज़ फॉल ऑफ वाटर वेपर ह्यूमिड डे कौन सा होता है जब वाटर वेपर जो होता है वाटर वेपर मतलब जो जो पानी जो है सूरज की किरणों के कारण जो है ओवल के जो है एयर में समा जाता है ठीक है उसे ही तो ह्यूमिडिटी कहेंगे और अ ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी और ह्यूमिड जो भी ह्यूमिड डे होता है या जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एयर में तो हमें स्वेट ज़्यादा आता है स्वेट so मतलब पसीना ज़्यादा आता है फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट एवेबोरेट ईजीली नेक्स्ट है आपका ये वाला और कर लेते हैं बच्चों क्लाउड्स आर masses ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स क्या होते हैं जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं मासेस होते हैं ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स के ठीक है जो पानी की बूंदें जो हैं evaporate होकर ऊपर जाती हैं ऊपर जाके जब ठंडा हो जाती हैं यानी ऊपर जाके जब वे कंडेंस ठंडी हो जाती हैं तो वो क्लाउड का जो है फॉर्म ले, ले लेती हैं यानी बादल के रूप का रूप ले लेती हैं ठीक है वन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम वेरी हैवी जब ये ज़्यादा हैवी हो जाती हैं कम डाउन एज अ परसिपिटेशन तो बारिश के रूप में ये गिरने लगती हैं परसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन उसे ही हम क्या कहते हैं बारिश कहते हैं दे आर थ्री टाइप्स ऑफ रेन ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म यानी यांत्रिकी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म द कन्वेंशनल रेनफॉल द ऑर्गोराफिक रेनफॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल ठीक है तीन तरह की आपको मैकेनिज्म के आधार पर रेनफॉल याद करनी है कन्वेंशनल ऑर्गोग्राफिक एंड साइक्लोनिक असाइक्लॉनिक आपको एक फिगर दिखाया गया था मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था आपको कॉन्स्टिट्यूश ऑफ एयर इसमें नाइट्रोजन जो है सेवेंटी एट परसेंट पाई जाती है ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट पाई जाती है ठीक है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी पॉइंट जीरो थ्री परसेंट पाई जाती है और जो आर्गन गैस है पॉइंट नाइन थ्री परसेंट पाई जाती है एसेट्रा ठीक है एंड अदर गैसेज आर ऑल्सो प्रजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर्गन याद रखना है पॉइंट नाइन थ्री परसेंट मेनली आपको याद रखना है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है यहीं से क्वेश्चन पूछता है तो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है पाई जाती है ओके तो थैंक यू वेरी मच